के अलावा सोशल मीडिया पे किस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिले? क्योंकि जब हम फिल्मों की बात करें, फिल्मों से ज़्यादा पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो जाती है कोई भी मूवी के बारे में जी। और अभी तो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, जो भी मूवी आती है, अभी ब्रह्मास्त्र आने वाली है कुछ ही दिनों में, उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है, उसके पहले लाल सिंह चड्ढा की चर्चा काफ़ी हो रही है, और जो नया ट्रेंड चालू हुआ है जो बॉलीवुड के रुख हो रहा है, जो बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में जो चर्चा होती है, जो भी बॉयकॉट लग जाता है, इस तरह से किस तरह से आप देखते हो इस सारे ट्रेंड्स को? और मुझे देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि यू नो बॉयकॉट बॉलीवुड जो होता है, आप एक एक्टर को लेके इतना खुन्नस निकालती है ऑडियंस, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक फिल्म के पीछे कितने लोगों की मेहनत और कितने घर चलते हैं। एक फिल्म से 3,000 घर जुटते हैं, आप हर एक टेक्नीशियन से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज तक इतने सारे अमीर गरीब घर जुड़े हुए थे, जिनके डेली आमदनी, जिनका रोटी रोजा एक फिल्म है। थिएटर के लोग हो, थिएटर पे अगर ऑडियंस जाएगी तो एक टिकट काउंटर वाले का जॉब से लेके एक समोसा वाला जो अपना घर चलाने के लिए एक छोटी सी 20 रुपये के समोसा आपको बेच रहा है, हर एक का घर चलता है। तो आई थिंक दैट आई कैन ओनली होप एंड प्रे कि ये ट्रेंड ख़त्म हो, क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी इस पर चलती है। Thank you. Yes. Thank you. Thank you. ठीक है, सोलो बोल रहा।